खूब शांति प्रिय ढंग से संपन्न हो उसके लिए एकदम तैयार है। हम जानते हैं कि पिछले 2 दिन में दो घटना बनी है, एक खेड़ा जिले के कठलाल में और कल सूरत शहर में। इन दोनों घटनाक्रम में और खास करके कल शाम कल रात को जो सूरत शहर में जो बनाव बना था सैयदपुरा में, उसमें स्थानिक पुलिस त्वरित कार्रवाई की, असरकारक कार्रवाई की और जो असामाजिक तत्व गुजरात के शांतिप्रिय माहौल को और कल जो सूरत में हुआ सूरत शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई स्थानिक पुलिस ने की। कल सूरत शहर में पुलिस कमिश्नर से लेके पूरे बल पुलिस बल घटनाक्रम पे तुरंत पहुंची, घटना का मुआयना किया और इस घटनाक्रम के लिए जो लोग भी जवाबदार थे उनके विरुद्ध में रात को ही कॉम्बिंग करके लोगों को अरेस्ट किया है। अभी तक 6 जुवेनाइल्स जो इस घटनाक्रम में जवाबदार थे उनके विरुद्ध सूरत पुलिस ने कायदे किया ढंग से, जुवेनाइल्स के विरुद्ध में जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की है और उसके साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में जो असामाजिक तत्व थे जो सूरत शहर के शांति को भंग करने का प्रयास किए थे, ऐसे 28 लोगों को हमने रात को ही कॉम्बिंग करके उनको भी अरेस्ट कर लिया है और उनके विरुद्ध में भी कायदीय प्रक्रिया भी चालू है। गुजरात पुलिस के डीजीपी की तरह मैं गुजरात के शांतिप्रिय लोगों को खास आश्वासन देना चाहता हूँ कि गणेश उत्सव का ये सब पूरा कार्यक्रम पूरे राज्य में अलग-अलग जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो उसके लिए हम सब की पूरी तैयारी है। सब एकम के वड़ाओं को सीपीज रेंज हेड्स और एसपीज के साथ अभी आज मैं फिर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं फिर से अलग अलग जिलों में जो परिस्थिति है उसका समीक्षा करने वाला हूँ। आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गुजरात एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ के लोग शांतिप्रिय हैं और इस शांत वातावरण को कोई भी असामाजिक तत्व पत्थर मारा में या किसी भी अन्य असामाजिक कृत्य में शामिल होकर गुजरात के शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो इसके विरुद्ध में गुजरात पुलिस कड़क कार्यवाही करेगी। धन्यवाद। અત્યાર સુધી એવો કંઈ લાગતું નથી, પરંતુ તપાસનો વિષય છે, તપાસમાં પછી જે કંઈ નીકળશે એ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એ બાળકોની ઉંમર 13 વર્ષથી 15 વર્ષ સુધીના છે, પરંતુ જે કોઈ વ્યક્તિ હોય કોઈ પણ ઉંમર ના હોય કોઈ પણ સમાજ ના હોય કાયદા તમામ માટે સમાન છે, એટલે તમામ માટે જે કાયદેકીય જોગવાઈઓ છે એ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવાની ગુજરાત પોલીસની સંપૂર્ણ તૈયારી છે। અત્યાર સુધી એવું કંઈ આવ્યું નથી। બાકીના જે લોકો પકડાયા છે 28 જો લોકો છે એ બધા જ મૂળ સુરતના અથવા તો આસપાસના છે કે અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ આવેલા છે જુવેનાઇલ સિવાયના? જ્યાં સુધી મને ખબર છે કે બધા સુરત શહેરના જ છે, એ પછી તપાસનો વિષય છે, કદાચ ત્યાંથી એવી કે માહિતી મળશે તો હું ચોક્કસ જાણ કરશું। ચાલો, થેન્ક યુ।